अपनी रीडिंग को। दिस इज योर चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। द रूलर्स ऑल्सो एनकरेज्ड द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। जो शासक थे उन्होंने क्षेत्रीय भाषा को भी प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया। स्ट्रगल फॉर कन्नौज, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। स्ट्रगल फॉर कन्नौज, कन्नौज के लिए जो भी संघर्ष उसके बारे में, और ट्रिपार्टाइट का मीनिंग होता है त्रिपक्षीय। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष होता है। सिंस द डेज ऑफ हर्ष, कन्नौज वॉज कंसिडर्ड द सिंबल ऑफ पावर एंड सोवरेनिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। कन्नौज को उत्तर भारत की शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक माना जाता था। ए पोजिशन विच दिल्ली वाज टू एक्वायर लेटर कंट्रोल ऑफ कन्नौज ऑल्सो इम्प्लाइड द कंट्रोल ऑफ द अपर गैंगेटिक वैली एंड इट्स रिच रिसोर्सेज इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। जैसे कि मैंने बताया, कन्नौज को शक्ति का और संप्रभुता का प्रतीक माना जाता था। ए पोजीशन, एक स्थिति जिसे दिल्ली को बाद में हासिल करना था। कन्नौज के नियंत्रण ने अपर गंगेटिक प्लेन एंड इट्स रिसोर्सेज और 24 का व्यापार था, एग्रीकल्चर था, कृषि थी, उस पर भी अपने नियंत्रण को प्रभावित किया। द पालास, प्रथियाराज एंड द राष्ट्रकुटास कॉम्पिटेड फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। दिस स्ट्रगल इज नोन इन द हिस्ट्री एज द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। दिस स्ट्रगल वीकनेड ऑल द थ्री डायनेस्टीज। जो पालास थे, प्रथियाराज थे, राष्ट्रकुटास थे, उन्होंने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा की। यह संघर्ष, दिस स्ट्रगल इज नोन इन द हिस्ट्री, यह संघर्ष इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। दिस स्ट्रगल वीकेंड ऑल द थ्री डायनेस्टीज। इस संघर्ष ने तीनों वंशों को कमजोर कर दिया। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में राजपूत से। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, राजपूत से।